डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम लोग 14 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी से सांख्यिकी नाम के चैप्टर जो 14 नंबर चैप्टर में है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने माध्य के बारे में सीख रहे थे कि आखिर माध्य निकाला कैसे जाता है। फिर हम लोग सीखे कि माध्य को भी निकालने के लिए तीन विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, काल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि को सीखा था। चलिए आज हम लोग सीखते हैं काल्पित माध्य विधि को। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, यानी कि ये भी इससे भी हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि क्या है, इससे हम लोग माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? चलिए, तो हम लोग को सबसे पहले कल्पित माध्य के लिए यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, x बार का मतलब हुआ माध्य। माध्य का फार्मूला यहाँ जो इस्तेमाल करना है वो करना होता है a प्लस डी बार। ठीक है, a प्लस डी बार। अब यहाँ a का मतलब क्या है, तो a का मतलब हुआ वर्ग चिन्ह के बीच वाली संख्या। अब हम बताएंगे कि आखिर इस ए का मतलब क्या हुआ। तो वर्ग चिन्ह तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में दो। तो वही ए है, ए वाला बोल रहा है कि वर्ग चिन्ह जितना निकालेंगे उसके बीच वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ए। और डी बार का मतलब क्या हुआ, डी बार को हम लोग कहेंगे विचलन का माध्य। ठीक है, डी बार का मतलब हुआ विचलन का माध्य। और डी बार कैसे निकालते हैं, तो डी बार का मतलब हुआ सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक एफ आई डी आई। पहले क्या होता था, एफ आई एक्स आई होता था, तो यहाँ डी बार है तो यहाँ होगा एफ आई डी आई, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, नीचे होगा एफ आई। तो ये हुआ डी बार का वैल्यू। डी बार का मतलब विचलन का माध्य। अतः हम ये कह सकते हैं भाई कि काल्पित माध्य विधि से जब हमको निकालना रहेगा माध्य, तो उसका फार्मूला लगाइएगा एक्स बार का, ए प्लस सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक एफ आई डी आई, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एफ आई। ये हुआ हम लोगों को काल्पित माध्य से निकालने के लिए फार्मूला। ठीक है, आप एक्स बार बराबर कहिए, ए प्लस डी बार कहिए, या फिर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक बट्टा सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक एफ आई। बात तो वही हुआ, क्योंकि डी बार का वैल्यू ये होता है। अच्छा, फिर आप एक बात और याद रखिएगा कि डी आई का फार्मूला क्या होता है, तो डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ फार्मूला से अवगत करा दिए कि आखिर काल्पित माध्य विधि में कौन कौन से फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले फार्मूला याद रखिएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। और डी बार कैसे निकालना है, तो डी बार के लिए एफ आई डी आई का जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ आई डी आई का जोड़ में से भागा कर दीजिएगा एफ आई के जोड़ से, और जितना आएगा वो हो जाएगा डी बार का वैल्यू। और ए का मतलब कौन सी, तो वर्ग चिन्ह के
बीच वाली संख्या को ए कहते हैं। अब ये सब सारा बात को आपको पहले नोट कर लेना है। अब उसके बाद हम आपको ये पिछले क्लास में भी बताए होंगे कि भाई क्वेश्चन एक ही रहेगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को अलग अलग विधि से सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। चलिए हम पिछले क्लास वाला ही क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन को काल्पित माध्य विधि से सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हम आपको याद दिला दें, तो एक तरफ था क्वेश्चन, इसके लिए भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, वहां एक तरफ था वर्ग अंतराल, ठीक है, और एक तरफ था, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल था, एक तरफ था विद्यार्थी की संख्या, ठीक है। वर्ग अंतराल कहां से शुरू हो रहा था, तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 50, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ध्यान रहे ये पिछले क्लास में, यानी कि पिछले वाले वीडियोस को आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है प्रत्यक्ष विधि के बारे में, ठीक है, कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, और उस प्रत्यक्ष विधि से भी हम लोग माध्य ज्ञात किए थे, तो उसका जो आंसर आया था 62 आया था। चलिए इसका भी आंसर माध्य 62 आना चाहिए। कौन विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि से। अभी तो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग पिछले क्लास में प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किए थे। 10 से 25 वहां भी विद्यार्थियों की संख्या 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 7 था और यहाँ 6 6 6 था, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, हम लोग जो पिछले क्लास में सीखे थे इसका हल करने के लिए कि सॉरी एक कॉलम बनाएंगे हम लोग वर्ग अंतराल का, एक कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल का, और एक विद्यार्थी की संख्या यहां दिया है, तो यहां कॉलम बना लेंगे विद्यार्थी का संख्या। उसके बाद वहां पे वर्ग चिन्ह निकाल देते हैं, तो ऊ वाला वर्ग चिन्ह लिखना ही लिखना है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा कि आखिर काल्पित माध्य विधि में क्या अंतर आता है। तो वर्ग अंतराल तो भाई वह क्वेश्चन में दिया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, इसके सामने लिख दिए। अभी क्वेश्चन तो इतना ही था, हम लोग जब प्रत्यक्ष विधि निकाल रहे थे तो वहाँ सीखे थे कि जो विद्यार्थी की संख्या होती है वो एफ आई होती है, यानी कि बारंबारता होती है, ठीक है। लेकिन दोस्त वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको कहते हैं एक्स आई, क्या कहते हैं, एक्स आई। तो एक्स आई जैसे हम लोग पिछले क्लास में निकाल रहे थे वैसे ही निकालना है। कैसे वर्ग चिन्ह निकालते हैं भाई, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी कि 25 और 10 35, और 35 में 2 से भागा कीजिएगा तो 17.5। तो इस तरीके से ये वाला कॉलम तक भी हम लोग पिछले क्लास में सीख गए थे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो यहाँ 32.5 आया हुआ था, पिछले क्लास वाला ही है, वर्ग चिन्ह जैसे निकाल रहे थे, इसका 47.5 था, फिर 62.5 था, फिर 77.5 था, और फिर लास्ट में 92.5 था। तो इस तरीके से वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल रहे थे। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे कहाँ पे जो हम लोग प्रत्यक्ष विधि में सीखे थे कि यहाँ गुणनफल कर दे रहे थे एफ आई और एक्स आई का, ठीक है। अब यहां पर
इस विधि में जिसका नाम है काल्पित माध्य विधि, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं इसमें जो है डायरेक्ट आपको एफ आई एक्स आई का गुना नहीं करना है, ठीक है। यहाँ एफ आई एक्स आई का डायरेक्ट गुना नहीं करना है, यहाँ तक के तो कर ही लेना है। जो हम लोग प्रत्यक्ष विधि में सीखे थे वहाँ पे क्या कर रहे थे कि एफ आई एक्स आई का गुना कर ले रहे थे और फिर उसका जोड़ कर रहे थे। दोस्त काल्पित माध्य विधि क्यों आया जरा इसके बारे में पहले सोच लीजिए। बहुत सारा ऐसा नंबर होता है जिसको एफ आई और एक्स आई को गुना करने में बहुत दिक्कत आता है। अभी पॉइंट वाला है एक अंक है तो हम लोगों को आसानी बुझाता है, इसको कर लेते हैं। अब ऐसा ऐसा ना नंबर मिलेगा कि आपको इसको गुना करने में और फिर सबको जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके वजह से इस समय को कम करने के लिए, जल्दी बनने के लिए यूज किया गया कल्पित माध्य विधि। इस माध्य विधि में एक आपको यहाँ पे कॉलम बनाना होगा डी आई का। डी आई किसको कहते हैं? विचलन। डी आई को कहते हैं विचलन, ध्यान दीजिएगा। डी आई मतलब हुआ विचलन। और डी आई के जब डी के बार चढ़ जाता है तब इसको कहते हैं विचलन का माध्य। तो डी आई का एक कॉलम बनाना होगा। ध्यान रखिए हम लोग तो शुरू शुरू में खाली इधर विद्यार्थी की संख्या था, इधर बारंबारता था, तो हम लोग निकाल लिए थे। बाद में हम लोग वर्ग चिन्ह का भी एगो कॉलम देखें, उसी तरीके से इसमें एक को याद रख लीजिएगा कि कल्पित माध्य विधि में एक डीआई का एक कॉलम बनाया जाता है। कॉलम माने एक उसका जगह, डीआई का जगह। और डीआई के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि डीआई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अब एक्स आई का तो एक्स आई रखना है माइनस। अब ए का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं, ए का मतलब हम आपको बताएं कि जितना भी वर्ग चिन्ह रहेगा उसके बीच वाला, तो इतना में एकरा में कई गो वर्ग चिन्ह है, ए गो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छह गो, छह गो वर्ग चिन्ह है। तो ध्यान रखिए जब छह गो वर्ग चिन्ह रहेगा तब उसके बीच में तो कोई नहीं रहेगा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए छह गो व्यक्ति जो है खड़े हैं एक लाइन में, चार पांच छ, तो अगर कोई पूछेगा कि इस छ में बीचों बीच कौन है, तो बीचों बीच तो कोई नहीं है क्योंकि इधर से भी तीन इधर से भी तीन, बीच में तो खाली है, कोई आदमी ये नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में याद रख लीजिए जब सम संख्या रहे, वर्ग चिन्ह कौची रहे, सम संख्या, जैसे कि दो गो चार गो छ गो, सम संख्या का मतलब दो दो से कटने वाला रहे, ठीक है, यानी कि छ गो रहे तो ये सम संख्या है, तब इसमें हम बीच वाला कोई भी दो, बीच वाला दो में से कोई भी ले सकते हैं। अगर विषम संख्या रहे, जैसे मान लीजिए कि मेरा पांच उंगली है, इसमें बीचों बीच पता चल जाएगा कि ये वाला है जो अभी हिला रहे हैं, ठीक है, ये हिल रहा है, ये बीच वाला है, क्यों, क्योंकि पांच गो था तब ना, अगर सात गो रहता है उसका तो बीच वाला एकदम निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आता है, जब वर्ग चिन्ह छ गो रहे, आठ गो रहे, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें देख लीजिए कि वर्ग चिन्ह के बीच में सबसे बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में तो यही दोनों आ रहा है। ध्यान रखिए एक का मतलब ही होता है वर्ग चिन्ह के बीच वाला। अगर ये पांच गो रहता, छ गो नहीं रहता पांच गो, तो बीचों बीच वाला ले लेते हैं, एकदम कंफर्म था कि 47.5 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई का मतलब तो समझ रहे हैं, एक्स आई कहते हैं वर्ग चिन्ह को। अब ए के बारे में यहाँ दिक्कत आ रहा होगा कि आखिर ए किसको लेंगे, बीच में तो दो दो को पड़ जा रहा है नंबर। ध्यान दीजिए अक्सर ऐसा होता है जब वर्ग चिन्ह सम संख्या में पड़े तो बीच में दो गो को हम लोगों को घेरा लगा देना है, ठीक है। अगर मान लिया कि यही पांच गो रहता तो खाली इसको घेरा मारते ही बीच में था। अब देखिए अब इसमें तो दो गो है, अब किसको ए लेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए, ये दोनों में से आपको जो इच्छा करें ए का वैल्यू ले सकते हैं। आप ये वाला भी ले सकते हैं 47.5 या 62.5 भी ले सकते हैं, तो हम अभी ले रहे हैं 47.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन से खींचे है ना, ये वाला इसके ऊपर ही रखना है, पहले तो फार्मूला डाल देना है
डी आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए, अब ए का वैल्यू इसमें से क्या होगा उसके जगह पर रख देना है। अगर मान लिया जाए कि विषम संख्या होता तो बीचों बीच में जो पड़ता वो हो जाता है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग अभी हम क्या बोले कि ए का वैल्यू जब दो को बीच में पड़े तो ई वाला भी लिख सकते हैं, हम ई वाला भी लिख सकते हैं, जो दोनों में से इच्छा करे आप यहाँ लिख लीजिए। हम यहाँ लिखे हैं 47.5। अब यहाँ पे इसको लाइन को खींच देना है। अब ई वाला लाइन को कैसे भरेंगे, तो इसके लिए डी आई कैसे निकालेंगे भाई, तो एक्स आई कितना है 17.5, यहाँ 17.5 है, और इसमें से माइनस करना है कितना 47.5, 47.5 माइनस करना है। तो ये माइनस का संख्या ज़्यादा ना है, और 47.5 से तो 30.0 आ जाएगा, यानी कि सब में से आपको कितना घटाना है 47.5, यानी कि 17.5 माइनस 47.5, तो इसका आ जाएगा माइनस में 30, ठीक है, इसका कितना आएगा माइनस में 30। अब फिर 32.5 है, तो 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 15, यानी कि एक्स आई जितना आया है सब में से आपको इतना ही घटाना है। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ 47.5 है, अब इसमें से 47.5 घटाएंगे तो जीरो बचेगा, फिर 62.5 है, इसमें से 47.5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 15, और इस 77.5 है हमेशा इसी देखिए ए वाला जब फिक्स कर लिए तो सब में से उतना ही घटाना है, तो यहाँ होगा 30 और यहाँ होगा 45, ठीक है। अब डी आई वाला भी हम लोगों को कॉलम समझ में आ गया, जब डी आई वाला फिक्स हो गया तो लास्ट में यहाँ गुणनफल करते हैं एफ आई डी आई का, ध्यान से देखिए यही आपका लास्ट है, एफ आई और डी आई का गुणनफल करते हैं। अब एफ आई का मैंने ये वाला बारम्बार था जो विद्यार्थी की संख्या दिया है, और डी आई मतलब विचलन, हम हमेशा बोल रहे हैं भाई कि जब डी आई रहेगा इसको खाली कहना है विचलन, ठीक है, और डी बार जब निकालेंगे इसको कहेंगे विचलन का माध्य, जब ऊपर वाला बार लग जाता है ऊपर वाला ये वाला लाइन खींच देते हैं इसको बार कहते हैं, तो उसको माध्य बोलेंगे, ठीक है। तो अब एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, तो एफ आई वाला तो ई है, बारंबारता विद्यार्थी की संख्या यहाँ 2 है, और डी आई माइनस 30 आया, तो माइनस 30 और 2 को गुणनफल कीजिए तो यहाँ भर दीजिए माइनस 60, ठीक है। ऐसे ही यहाँ माइनस 15 है, यहाँ विद्यार्थी की संख्या 3 है तो इसको गुना कीजिएगा तो माइनस 45। अभी 0 है, 0 को 7 से गुना करना है क्योंकि एफ आई डी आई निकाल रहे, तो इसका 0, 15 6 90, 30 6 180, 45 6 270, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब एफ आई डी आई भी कंप्लीट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी जो हम लोग सीख रहे हैं कल्पित माध्य विधि जो सीख रहे हैं, क्वेश्चन सेम था पिछले वाला जो क्लास में हम लोग पढ़े थे वही वाला क्वेश्चन। देखो माध्य में जो हम लोग विधि सीखते हैं ना, जब तक के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक के समझ में नहीं आएगा कि आखिर कौन कौन से विधि को सॉल्व कैसे करते हैं। तो वर्ग चिन्ह तक के तो हम लोग पहले ही सीख गए थे, आज एक काल्पित माध्य में डी निकालना सीखें। डी मतलब विचलन, और डी का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब होता है वर्ग चिन्ह के बीच वाला। अब बीच वाला में अगर दोनों आए तो दोनों में से जो मन करे लिख सकते हैं, नहीं तो अगर बीचों बीच आ जाए उसी को लिखना है, मतलब इसमें से जितना भी वर्ग चिन्ह रहेगा उसके बीच वाला को देखना है, उसको घटा लेते हैं। अब सब में से घटाने के बाद डी आई पता चल जाता है, तो डी आई के बाद एफ आई डी आई निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे योग करते हैं। अब किसका किसका योग करते हैं, तो एफ आई डी आई का योग करना होता है लास्ट वाला का, जिसका गुणनफल होता है ना इसको जोड़ना होता है। तो देखिए कुछ माइनस में भी है, तो माइनस 60 जो है और माइनस में 45 है, तो ये कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को जोड़ घटा के मिलेगा 435। आप जोड़ लीजिएगा, जैसे 270 180 90 ये सब प्लस में है, ये सबको जोड़ लीजिएगा और घटा लीजिएगा ये दोनों को, 60 और 45 मिलके 105 हुआ, तो ये सबके जोड़ के और जितना आएगा ये दोनों माइनस में है तो घटा लीजिएगा, तो कितना आएगा आपका
435, यानी कि एफ आई डी आई का जोड़ लेना है, इधर इसका कुछ नहीं जोड़ना है, एक्स आई का यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन आप अगर बोलें, आपको याद होगा तो प्रत्यक्ष विधि में एक्स आई का भी, एक्स आई का नहीं जोड़ते थे, एफ आई एक्स आई का जोड़ते थे, लेकिन एफ आई का तो हमेशा जोड़ना है, इसको जोड़कर आएगा 30। यानी कि कल्पित माध्य विधि में वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई और डी आई का जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, अब इतना चीज, अब इसमें आपको कै गो कॉलम बनाना होगा, ये दोनों तो सवाल देवल रहता है, वर्ग अंतराल और विद्यार्थी की संख्या बोलिए चाहे बारंबारता बोलिए, ये तो आपको क्वेश्चन में दे देगा। आपको वर्ग चिन्ह बनाना होता है कल्पित माध्य विधि में, फिर डी आई का एक कॉलम बनाना पड़ता है और एक एफ आई डी आई का निकालना रहता है। इतना चीज करने के बाद एफ आई डी आई का जोड़ना है और बारंबारता का जोड़ना है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ बात तो याद रखना ही पड़ेगा कि कल्पित माध्य से हम कैसे सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको डी आई निकालना होगा, डी आई नहीं सॉरी डी बार निकालना होगा। अब डी बार कैसे निकालते हैं, तो डी बाई का फार्मूला होता है डी बार का कि सिग्मा यानी कि जोड़ आई का वैल्यू वन से लेकर एन तक एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा आई का वैल्यू वन से लेकर एन तक एफ आई। तो यहाँ एफ आई डी आई का जोड़, सिग्मा माने जोड़, तो एफ आई डी आई का जोड़ आ गया 435, 435 बट्टा एफ आई का जोड़ 30। ठीक है, तो इसको आप जब भाग कीजिएगा तो ये आएगा 14.5। क्लियर, अब डी बार निकाल लेने के बाद अब एक्स बार का फार्मूला देखिए, हम आपको शुरू में ही इसीलिए बता दिए थे कि ये सब फार्मूला याद रख लीजिए, कल्पित माध्य में याद रख लीजिए कि यूज होता है डी आई का एक्स आई माइनस ए, फिर याद रख लीजिएगा कि जो डी बार है उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, मैंने जो हम पहले जो पेज पर बताए हैं इधर एकदम इम्पोर्टेंट है, ये सब फार्मूला कल्पित माध्य में लगता है। तो हम क्या सबसे पहले निकालेंगे, डी बार, और डी बार का फार्मूला कुछ ही होता है, तो एफ आई डी आई का जोड़ बटा में एफ आई का जोड़, तो एफ आई डी आई का जोड़ 435, एफ आई का जोड़ 30, भाग कर देना है। अब इस विधि में, किस विधि में, तो कल्पित माध्य विधि में एक्स बार का फार्मूला रखना है ए प्लस डी बार। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोगों का ए का जो वैल्यू है पहले ही 47.5 यहाँ पे लिख चुके हैं, जब हम लोग सारणी बना रहे थे वहीं से ए का वैल्यू फिक्स हो जाता है कि क्या है, तो ए का वैल्यू फिक्स हो गया 47.5। हम शुरू में अगर रखते 62.5 तो यहाँ 62.5 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों बीच में पड़ रहा है, तो सब चीज़ समझ रहे हैं आप कि ए का वैल्यू का मतलब हुआ वर्ग चिन्ह के बीच वाला, तो बीच वाला में तो दोनों पड़ रहा है क्योंकि इधर से भी दो किनारे किनारे वाला छाँट दिए, तो अब ये दोनों बच रहा है। अब मान लीजिए कि कोई कहेगा कि सर एकरो छांट दीजिए तीन गो, तो एकरा में बीच में तो कुछ बचबे नहीं करेगा, खाली जगह है, तो ए का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करेंगे। तो अगर दो गो बचेगा तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम कितना इस्तेमाल किए हैं, 47.5 रख दिए, और डी बार कितना आया, तो डी बार आया हम लोगों को 14.5। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 62 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रत्यक्ष विधि, उसका भी आंसर उतना ही आया था जितना कि अभी हम लोग कल्पित माध्य विधि में सीखे। हालांकि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि में देखिएगा तो हम लोग दोनों जगह क्वेश्चन सेम लिए हैं। अब सेम क्यों लिए हैं, क्या वजह है, इसलिए ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि भाई विधि का नाम अलग अलग है, करने का तरीका अलग अलग है, सबका आंसर सेम ही आएगा। कोई अगर सिर्फ सवाल में आएगा कि माध्य निकालिए, तो कोई लड़का प्रत्यक्ष विधि से निकाल दिया, चाहे कोई कल्पित माध्य विधि से निकाल दीजिए, दोनों का सही हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये बोले कि कल्पित माध्य से ही निकालना है, तब आपको इसमें यही काम करना होगा, वर्ग चिन्ह तो लिखना ही लिखना है,
ठीक है, और डी आई निकालना रहता है। ये सब देखिए कुछ याद करना पड़ता है कि कल्पित माध्य में एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना है, और ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये भी याद रखना है, यानी कि मोड़ मोड़ पे आपको चीज़ें याद रखना है। और ये याद कैसे रख पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को बार बार रिविजन करेंगे। तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा निम्न सीमा बटा में दो, सबका निकाल लिए। फिर डी आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है भाई, तो ए होता है वर्ग चिन्ह के बीच वाला, बीच वाला हम किसी को भी रख सकते हैं, कब जब दोनों पड़ेगा तब। तो आपसे पता एक रिक्वेस्ट है कि ये वाला तो उतारना ही उतारना है, यही वाला क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को जो अभी लिखे हैं, इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य से ही, यानी कि जो अभी हम बताए हैं इसी विधि से बनाना है, लेकिन आप ए के जगह पे 62.5 रख के भी बनाकर हमें भेजेंगे। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ताकि आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि अच्छा बीच में दोनों पड़ेगा ना, तो हमको जो मन करेगा वो हम लेंगे, आंसर हुआ तो 62 आएगा भाई। तो आपका होमवर्क्स ये है कि आप ए के जगह पे 62.5 इस्तेमाल करिएगा, और फिर यहाँ अलग अलग वैल्यू आएगा, फिर एफ आई डी आई का गुना कर लीजिएगा, और आपको मैंने ए का वैल्यू नीचे वाला का यूज करके बनाना है। तो इस तरीके से दोस्त आज हम लोग सीखे कल्पित माध्य विधि। आपको जैसा कि पता होगा माध्य निकालने की तीन विधि है, दो विधि हम लोगों ने सीख लिया है, एक लास्ट वाला का नाम है पग विचलन विधि। तो दोस्त उसके लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पग विचलन विधि को निकालना सीखेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।